बोन्स ऑफ द चेस्ट। सो बोन्स हमारी जो होती है चेस्ट में वो बनी होती है रिब्स और स्टर्नम की। तो टोटल रिब्स जो होती है वो 12 पेयर्स होती है और स्टर्नम जो होती है वो 1 होती है जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें रिब्स में तो टोटल 12 पेयर्स है और 12 पेयर्स में जो फर्स्ट 7 पेयर है वो होता है ट्रू रिब्स, जो नेक्स्ट 3 पेयर है 8, 9, 10 वो होता है फॉल्स रिब्स और 11 तो 12 जो होता है वो होता है फ्लोटिंग रिब्स। अब इनको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो रिब्स है वो आगे स्टर्नम से और बैक साइड में थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच होती है। और फॉल्स रिब्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो आगे तो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बट वो जो वर्टिबल कॉलम है इससे अटैच होती है। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो लास्ट 2 पेयर्स होती है, वो किसी से भी अटैच नहीं होती, ना वो स्टर्नम से अटैच होती ना वो वर्टिब्रेट से अटैच होती।